लिला रहा है? हाँ उस्ताद जी। फिल्टर पन्ना दिए दे उस्ताद जी। अरे ओ बस छोड़ा काला गुलगला, पन्ना ठा के लेना है, बनाए कौन लेना, और अगला काम भी करके देना है। देखो उस्ताद जी मिले नहीं रहा, मेरे मुंह कौन देखा है, है? के देखा है वो तनु कौन रहा पन्ना कड़े हैं? देख यो दे रहा पन्ना आंदा ऊंट। अच्छा यो था कि मन बे रहे कौन था? लीला रोट कम खा करे, दिमाग तो बहुत गदरा दब जाया है, थोड़ा बहुत लिक्विड ले लिया करे, दिमाग कौन दिखता तुम्हें? उस्ताद जी रोटी कौन खाई, लासी पी थी, उसका गड़ हो रहा है। गड़ हो रहा है ना, सिरे का जाके तो सा बोलिया और गे ली लिएगी फैन, आज ये लासी कम कर दे, मैं सही गाड़ी का है ना साइकिल का टायर चढ़ाई पाओगा और गे ली मन मरवाओगा रहा कर लिया कड़ा बूंदे। माँ भगवान है आगे क्या पे आ गया। अच्छा वो ठीक से? मैं तो ठीक सू। माँ कौन दिखी, कित गई? माँ तो बाहर जा रही है, पर मैंने आप तक बात करनी थी। एक हफ्ते में तो मैं आ हूँ, तान दे सवाल जवाब करने लगी, बोल के बात करेगी? आप जो समझो हो ना, इसी कोई बात को नहीं, और भीतर चलो फिर बताऊंगी आपने। लो बैग दे दे मैंने। मैं तो मजाक करू था, तो साथी सीरियस ले गई है। चलो अरे दो ही गाड़ी छोड़ गया था। हाँ पर एक का काम है इनका। हाँ क्लच पिल्ट करनी है भाई, देख दो तीन दिन तो रख घर में ची यार मान ले। हाँ ठीक से पाछा करूँ फोन में है, कर लो काम। घर ना बड़े को नहीं, और फोन आने शुरू हो गए आपके। मेरे तो फोन आने शुरू हो गए, मैं घर ना बड़े आ हूँ, आता है डैडी बोल रहा है, बता के बात से बताऊंगी। कदे फोन करके नू बुझ जाए, अकमर है जीव है, एक एक हफ्ता मैं आओ हो आप। एक हफ्ता में ताऊंगा मनु का आ रहे, हाँ जी की नौकरी ना जीगा करे, लेकिन तेरी सुनूंगा मैं, बोल के कह मने के तब उंडी लग गए। अच्छी लाग दी ना, तो आड़ा कौन छोड़ डर मने लेगा जावार गैल। तू हवा उड़ी आए गए तेरा कौन समझावा है, आड़ा तमन्ना भी है माँ भी है, हैं कुणबक हमें बीच में छोड़ रखी, उड़े बाजार में जा कर रोज तरड़ी चीज खाओ गिर सेहत खराब हो जाएगी, जा रोटी में खतरा। रोटी तो बना कर खवा दूंगी, जो मैंने बात कही है ना उस बात पर गौर कर ले, गैल जाऊंगी ना तो जाऊंगी, फाइनल कर दी मैंने ठीक से। हाँ ये पानी पी ले। या मैं ना मारे अगर मेरे का नहीं ठीक से दबड़का ना करे, सच्ची बताऊँ आता मैं, देख मेरी बात सुन, मैं तो दिल तो चाहूँगी इसी कोई बात को नहीं, और तय समझ पिताजी से पुत्र बनता पुत्र से तेरा वंश मेल, आत्मा का आत्मा और आत्मा के संग में मेल, जिस तरह मान ले तेना तेरा जी है ना ईसाई माँ बाबू में है, सारे में एक सा है और अपना परिवार इकट्ठा रहेगा तो अच्छा लगेगा, लोग क्या कहेंगे आग देख मैंने ले गया लोग अपनी और माँ बाबू वाले पड़े हैं अच्छा लगेगा। मैं सारी समझू जी, मैं कि माँ बाप तो दूर थोड़ी करूँ आपने। जो समझा ना ये सवाल कौन कर दी तू, जो ये गुण ला रही है या तरसना है ना कितनी ये बढ़ा दे, चौड़ा पेट घना तरसना का भरया नहीं कदे भरया नहीं, तेरा मन मनु हो रही है मैं उड़ रहूँगी, आड़ मेरे पर दाव कौन रहेगी, यह बड़क समझ मैंने बेरा को नहीं। बस मन नहीं बेरा मैंने कह दी ना कह दी फाइनल ठीक से। ज़्यादा कर ले। मनु कौन था वो गौशाला वाले आए थे चंदा की कहे थे के करा गौशाला में तो दान करना चाहिए न्यू का आग्रह के दया धर्म का मूल जगत में धर्म करणिया जाने हर मेरी मन है तो एक गऊ आप भी पाल लिया अजय घर घर एक गऊ हो न तो गौशाला खुला ही को नहीं दान दिए थे क्यों से एक दिन चंदा दे दिया गाँ तो रोज चल है ना मैं तो बांध लूँगा कर भी लेगी उसका क्यों कर लूँगी क्यों नहीं बाबू। हाँ भाई ठीक से जाऊँ मैं है अरे काल तो आया था बेटा इशाता वाला चाल पड़िया तू माँ काम की दाबी सी चीज़ हो है जाना पड़ेगा माँ कोनी मानता देखिए कितना माड़ा हो रहा है और तू कह तो माँ मैं भी गैल चली जाऊँ टाइम पर रोटी टुक्का मिल जाएगा इसने यह बात तो ठीक कही बेटी तने चली जा नाटक कौन है बाबू मैं नाटू हूँ नू बता डरेगी तो क्या दिक्कत से माँ बनवा ली हूँ खा ली होटल रोटी क्यों बड़क लियो सो अरे बेटा होटल वाली किसी रोटी से वो पतले पतले पापड़ से
और मड़ी ठंडी हो जाता चबे भी कौन नहीं सब ब्याह ने याड़े देगी है? बेटा छोरे के लिए बहु होया करे तेरे के लिए रहने में क्या दिक्कत है नौका देना घना खर्चा हो से। हाँ असल बात यह है तू मन की बात पकड़ेगी इतना कमाऊंगा इतना उड़ लाइक जाएगा फिर के बचेगा बेटा किस खतर कमावस है हम अपना करण लाग रहे हाँ तू ले जा बड़कन के ले टेम से रोटी तो खा लोगे खा लूंगा टेम तो खाऊ मैं क्यों भड़क लो कर कर लो अपना काम यो को नहीं माने को नहीं मानता मायो तेरे पर गास है जिद्दी सारी बात मेरे पर ले आओगी सही कही है माँ पे पूछ पिता पे घोड़ा गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा पप्पा पहले तो बैठ जा चक्कर आ जा अपन वहां ये बोल के कहा पापा मैंने आप दिखाई थी वो स्कूल की फीस भरवा दे और इतनी ना भरवाई अपने गादर की ताला मेरे को पक थोड़ा टाइम तो लग गएगा दो चार दिन में भर आऊंगा फीस मास्टर की मैं कहने को नहीं तेजी ने बिचारे है हैं के बात तन रुपये जरूरत से मन रुपये के जरूरत पापा आप मेरी सारी फरमाइश तो पूरी करड़े लाग रहे हो बस फीस भरवा दो मन तो वो ही बहुत से बोलो जी हम नोर के काम तो थारी को फरमाइश है के हाँ जी घर का सारा सामान समट रहा है कि मिला के दोगे जब तो बना के दूंगी लेट जाए एक बार पहले यो आ था इसकी फरमाइश पूरी कर दूँ भाई दो चार दिन में जा आऊँगा और भर आऊँगा फीस ठीक है ये जाके तू पढ़ ले है आया नहीं चल गुद्दी ना यार बड़ी ऊपर उठा लिया करे दिन घूमड़ा रह गया नीचे आप एक काम करो जी वो सामान वाला बैग ले आओ आपने सामान दुआ दूंगा और मैं गैरेज में चला जाऊँगा ठीक है हाँ जी ये लिया जी बैग में ले आओ जी ले आओ तावड़े वाह जी वाह नाल कर दिए पुष्पा मड़ा सा आराम भी कर लिया कर दो फारी मड़ा गिरा है आराम तो आराम है करके तो खाना पड़ेगा चलो सोच तो तेरी ठीक से है पर एक बात पूछूं मैं थर कोई छोरी छारी आ रही की छोरी तो मन्ना के जान दे कौन तू वो तो मन्ना से है तो मन्ना ने तुम्हें जानो हब्बी आज मैंने पवन भाई शॉपिंग करता देखा था गल एक लुगाई थी एक छोटा छोरा था मैंने सोचा थर कोई छोरी छारी आ रही होगी उसका है उसके यार दोस्त की बहू हो कोई और उसने टाइम ना हो उसके घर वाले ने जानता भाई ले गया होगा भाभी ये तो विश्वास का रिश्ता हुआ यह बात तो ठीक कह सी मानो तो गंगा और ना मान लो तो बहता पानी है आज चल चा प्या दिन तेने ना भाभी मन तो टाइम को मत जाऊँ अच्छा ठीक से तो जाओ यार देख काफी लंबा टाइम निकाल दिया पियानो छुप छुप के मिलते मिलते आने तू के कहना चाहो मैं तो नहीं कहना चाहूँ मेरा गणखरा टाइम पर डाइम मिली गिर जाए फिर बड़े शोरूम पर चल जाऊँ तो जल्दी तो जल्दी मेरा गलना पटरानी बन के आ जा तो मेरी तो हिम्मत को नहीं कर क्या तो बात करन की तू कर ले तेरे घर क्या तो बात मेरा आगे पीछे कौन है बात करन में मैं ना तो मैं ही कहनी मैं ही सुननी और मैं तैयार हूँ अगर अपना प्यार सच्चा है ना तो वो ही बात करवाओगा जिसने आप ही मिलवाए थे यह बात तो सही है मर्जी तो ऊपर लगी है चाल लगी लेकिन तने एक बात बताऊँ जिस दिन तक तू मेरी लाइफ में आई है ना मैं हर टाइम एक उन्नति की पैड़ी पर आया हूँ और तू कदे भी चिंता ना करिए मैं जिंदगी भर तेरा साथ कौन छोड़ दूँ कदे भी तेरे पके में मुसीबत आओगी तो मुसीबत तो पहली मैं तेरे दोहरा लूँगी मैंने जिंदगी में कोई अच्छे कर्म करे थे जो मैंने आप मिले अच्छा तो किवें किवें भी करे रखा था किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की कोई पंगा करवाएगी ये लड़की तमन्ना हाँ भाभी तेरा यो आने का टाइम से ये मने तय बताओगी के कब आना है कब नहीं तमन्ना नो क्यों कर बोला है भाभी ला गुतरी और गलत भी के कह दिया फिर मने तेरे तने गलत ना कही ना तो सही भी ना कही भाभी है भाभी बनकर है माँ बनने की कोशिश ना करे सू तो भाभी है माँ को नहीं बन दी मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाऊ हूँ तय इतनी लेट आवे है कि मैं समझती को नहीं तय कहना के चावे है मैं समझती को नहीं बात ने गोल गोल क्यों घुमावे है सिद्धी कह ही दे बात ने गोल गोल कौन घुमा तमन्ना टाइम क्यों हो रहा है 3:30 और तेरी भलाई खातर कहूँ हूँ टाइम से पढ़ने का और पढ़ ले अपनी समझ का कहूँ हूँ तमन्ना बाकी तेरी सोच है मानना या ना मानना तने
मन्ने ना समझावे, चल तेरा काम कर ले। कर दिया दिमाग खराब। लीला राम राम उस्ताद जी। राम राम। दो चाह बोलिया, अब तेज मिठा गया ये है। मिठा तो ठीक उस्ताद जी, को तो एक बात पूछ लियो। एक की दो बात पूछे तन्ना के ना है। आप हफ्ता में दो दिन किस जा करूँ? किस जाऊँ था, मेरे घर न जा करूँ, जोड़े मेरे बच्चे हैं। घर न? हाँ। बच्चे तो आपके आड़े भी है। भाई लीला, कई बात इसी हुई है जो पर्दे पीछे की हुए हैं। या कौन सा पर्दा पीछे की बात होगी कि दो दो जगह बच्चे? आ कोयले ही खाने आसन है, सारी बात आतने बेरिया को नहीं। चेला है, चेला बन के रहे, गुरु ना बन। उस्ताद जी मैं कड़ा गुरु बन सकूँ था, अभी तो मेरे सिक्कण के दिन चल रहे हैं। सीख ये, फिर जो मैं करूँ ना वो ये करिए, क्योंकि तेरी जो नज़र देखने ला रही है ना वो सच्चाई को नहीं, उसका बहुत बड़ा कारण है। और मैं तेने बता कौन सकता, मेरी है मजबूरी, क्योंकि तू बालक सर, मैं तेने जिक्रा भी कर दूँ ना तो चार जगह और पौधेगा। ठीक से हजा चाह बोलिया, नहीं गड्डिया काम भी करना फिर है। ठीक है बोलिया। हाँ कांद के सर है लाग सर। माँ। हाँ बेटी। मेरी बाप भी हर चीज पर रोक टोक करे है। ये क्या हो गया? कितने भी आओ कितने भी जाओ, नू कगी कित गई थी, पढ़ाई पर ध्यान दे लेना। देख मेरे माँ, तेरी 100 बार सुनूंगी पर उसकी एक बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। बेटी कह दिया होगा, न्यू क्या आग्रह, बड़ा भाई बाप बराबर और बड़ी भाभी माँ बराबर, ईसा क्या कह दिया इतनी कड़ी छो मारी। वाह नू बोली, मैं सारी समझू हूँ, तू लेट क्यों आवे है, मेरा के पत्थर का दिल है माँ, अख मैं सारी आण उसकी सुने जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटी, भाभी की बातें का बुरा ना मानिया करे, मैं समझा दूंगी उसने। पर एक बात मैं भी कहूँ, सियाणी बेटी घर से बाहर निकले ना जब माँ बाप ने भी और भाई भाभी ने भी चिंता होया करे, सुई की अणी जितनी आप वो है और वह उतर जाने फिर लाख रुपये दिए बिना उल्टी आवे लाडो। सही कहो है वह तो, तू भी कोशिश करया कर बेटी, टेम तो जावे और टेम तो आवे, कहने का मौका ही ना देवे। ठीक से माँ, सही चल रहे हो, लोग सही कहया करें, बेटी बोझ हो है, अब बेटी की दो रोटी बारी हो गए हैं। ये तू तो वहाँ बुरा मान रही बेटी, मैं सही कहूँ सू, और वह भी सही कहे है, जवान हो गया ही हुआ अपने बाबू गए, बालक ना आई। छोड़ दो या नौकरी, क्यों भड़क पाल रहे हो, आपने दो किले आड़े बोलियो। अरे किए दे रहा जमींदारों में, फसल बोवा जीत तो सोमण, लिकड़ा जीत नौमण, कदे औले पड़ जे हैं कदे कि में, ठीक से बावड़ी अपनी खरी तनख्वाह है ही। चलो मर्जी है आपकी, बात हो चाहे जमींदारा करो चाहे नौकरी करो, फिर एक भड़क और भी सा, और मैं बताऊँगी ना आपका छो उठेगा फिर। छो उठेगा? हाँ। की बात? इसी है। इसी कौन सी बात होगी जो मैंने तू बताओगी, हाँ मेरे छो उठेगा। हाँ बावड़ी मैं तो ठंडा है मानस बहुत सूँ, तेरे मलक्ष्मी का रूप देखूँ, क्यों मंत्र से ती वादा करा था फिर लें दिए नहीं, अब तेरी बात कोई भी कौन काटू मानूंगा। आप मैंने कि मैं समझो ना, जब भी मैं आपकी बात मानू आप भी वाणी खातर नाटे ने, और मैं मानगी जो आपकी बेबी तमन्ना है ना उसके आओ भाओ मैंने कि मैं ठीक कौन लाग दे। आओ भाओ मैं समझा को नहीं, मैंने सारी खुल के बता, चाल के रहा है जो अपना तमन्ना है ना इसके चाल चलन मैंने कि मैं ठीक ना लाग दे, और जो या इस उम्र में चलन लाग रही ना वो उम्र मेरे में भी आई है, और मैं चाहूँ कि आप टाइम टाइम तक इसने ब्याह दें फायदे में रहेंगे। पुष्पा मैं तेरी बात सुनू हूँ, जितनू लग गया है तगणी श्रेणी है, और पंडित जी कह है 36 मसाले गेर कूट कह नमक भी बनता साग नहीं, अबला धन बेटी का खाए तै यो दो उतरा दाग नहीं, जितनी तू घर तो बात कहने लाई रही है ना ये बात आड़ लग गए, लेकिन कई बात इसी यूँ हैं जो बताई कौन जा समझी जा, तो टेंशन ना ले मैं करूँगा तमन्ना तो बात। बात तो कर लियो आप, अगर मेरी बात का बुरा लग गया हो ना आपने तो मैंने माफ़ कर दियो,
मैंने जो अच्छा लगे ना वो मैंने आपका शेयर कर दिया। ठीक से पति पत्नी का मतलब रह क्यों है, दुख और सुख दोनों हमें साथ निभाव है। तो अड़ारी है ना, तो गेल का मुँह तो छोड़ दिया, अड़ा मुँह डाल लिया। तमन्ना मत नहीं कि मैं अपना अपना दिखा होगा, वह बात ने मेरी बता दी बस, तो उस बात का मैं बुरा मानूंगा। हाँ देख लो, टेंशन ना ले, जा तू कर ले काम। ठीक से काम कर ले फिर। हाँ ये समझदार लोग ऐसा सब कहो तो वह हुआ जाए भाई। तमन्ना। हाँ भाई। क्या करने लग रही? किम्मा ना भाई, कपड़े दरे हैं। बेबे मैं तेरे तक कोई बात पूछूं, सही सही जवाब दिए। सही सही जवाब दूंगी भाई, पूछ। और मैंने तेरे तक कद के छुपाया से। तेरी भाभी किमें कहती, लेकिन मैंने विश्वास कौन करया। और रामकिशन कह था तू छोरे गेल तू हंड थी पार्क में, वो कौन था भाई? दुनिया कह देगी कि मैं भी, और तू उनकी बात पर विश्वास कर लेगा, वो मेरा दोस्त था। आई तया बात कह है, तेरा शर्म को नहीं आती? छोरी है कि छोरी दोस्त हो जी, मैं मान लूंगा, लेकिन तेरा छोरा दोस्त बड़ी शर्माले, पागल को नहीं मैं भाई। जो बात थी वो मैंने बता दी, मैं तो आपकी इज्जत करूँगा और आप गलत मतलब निकालो। मैं गलत मतलब कौन काटता, यारी का मतलब समझाऊ। यार सुदामा तो कृष्ण का भी था, एक टोटम छेड़ा था और उसका मांगने बन गया, और जी बालक भूखे मर लग गया ना, जी मिश्रा ने भेज दिया और वो उसका घर चलिया गया। लेकिन फिर भी एक बार नू को नहीं कही अग भाई मन यह चीज़ दे दे, लेकिन भगवान उसकी मन की बात पकड़ गया। वह कृष्ण लीला कौन थी या तैरती मेरती जनता थी समझाने का एक तरीका था। और मैं तैरती यह बात कहूँ, ये बार है बेबे कलयुग जार बने आने हैं, और तुम्हारी बहान से ज्यादा तने कहूँ। और जब तू सच्ची बोल रहा है तो मेरे सिर की कसम खा जा, मत नहीं कि मैं भी को नहीं कहूँ भाई, क्योंकि तन कसम दे दी जा तो सच्ची बताऊँ, और मैं मेरा भाई ने खोना कौन चाहती भाई। मैं उस चोरे तो प्यार करूँ, हरिया बात कर क्या ना बताइए, तेरा गाल जोड़ूं भाई। बेबे मैं कौन ही बताऊं घर क्या आ गया, फिर मेरा कहना एक काम कर ले, जो अपने गैरेज को बीर बना ली जड़ा मैं काम करूं, वो छोर नूड़े भेज दिए, मैं एक बार बात तो कर लूँगा। क्यों, तेरी जिंदगी का सवाल है। ठीक से भाई, मैं उससे कह दूंगी, वो मिल लेगा आप ते, हर नाम उसका फराटा है। कोई बात को नहीं, फराटा हो हर चीज कुल्लर हो, मैं मिल लूँगा। ठीक से है, भेज दी मैं तेरे। ठीक है, तू घना बंगाला है, काम लेट होता होंदा, तेरा काम तावड़ी हो गया। मतलब क्या कहना चाहो तू? मैंने मेरे भाई तो बात करी थी और वो आप तो मिलना चाहे हैं। करवा दी तैयारी मेरी आड़त डुआन की, तेरे तो मैंने यही उम्मीद थी। मैं पहले ही कहूँ था भगवान मेरा ब्योत को नहीं, तेरा भाई के घेसले उठन का कर दे माफ़। एक बार मेरी बात तो सुन ले। मैं सुन ली मैंने, तू मैंने कुआं में मुद्दा लटकाओगी और सर का तान छोड़ेगी, मेरे सर की खील सी खिंड जाएंगी। तेरे सिर की खील खील को नहीं खिंडवाऊँ, मोड़ बंधवाऊंगी। मेरे भाभी मेरे पर शक कराया करती, और उसने यह बात भाई तो बता दी, और भाई ने मेरे सिर पाथ रखवा के मेरे तो सारी सच्चाई पूछ ली, और मैंने आपका नाम बता दिया कि मैं आप तो प्यार करूँगी। फिर मेरे भाई ने बोलिया अगर मेरे बेबे की जिंदगी का सवाल है तो बस इसे बारे में आप तो बात करना चाहे हैं। ईव जी ने शांति मिली है, तुमने तो भारी टेंशन कर दी थी, लेकिन नू तो बता तेरे भाई ते मिलना कित है, घरा तो मन शर्म आओगी। ओ शर्माऊ घरा को नहीं मिलना, बियाणी मिलना है, मेरा भाई बीरबान की गैरेज में काम करे है। अरे भाई पवन उरे काम करया करेगे उस्ताद जी? हाँ उड़े करे है, स्कॉर्पियो की सर्विस करे है पीछे। ठीक है भाई। हाँ राम राम भाई सब। राम राम भाई। पवन आप ही हो गए? हाँ मैं हूँ भाई, बोल।
मैं वो फराटा तमन्ना ने भेजा हूँ। मारा है बेशरम देखे फिर तेरे तलाए तलाए की हुआ तने मेरी मान बुला ली। आप मेरे तो बड़े हो, कुछ भी कह सको, मैं बुरा को नहीं मानू, लेकिन एक दिल की बात बताऊं, मैं तमन्ना पे सच्चा प्यार करूँ। तने तो शब्द बोल लिया है ना, आग मैं प्यार करूँ, इसमें घनी गहराई है, क्या गहरा करना है? मैं तो जी वो पढ़िया करूँ। अच्छा पढ़िया करे, मैं तेरे को ऑफर दूँ, मानने का? ऑफर मैं समझा कौन जी, बाकी बताओ आप क्या कहना चाहो? बताऊँगा, ऑफर यो है मैं तेरे 2,00,000 रुपये दूँगा। फिर तमन्ना ना भूल जा। बेरा ना जी, मैंने क्यों ही साला गया है, अगर मैं किसी गलत आदमी से मिला हूँ, अगर आप मैंने नू कहते सीधा ही कि तू तमन्ना ने भूल जा तो शायद मैं कोशिश करता, क्योंकि वह आपका घर की इज्जत है, आपकी बाण पहला और मेरा प्यार बाद में है, लेकिन आपने मेरा प्यार रपिया का तराजू में तोल दिया, वो गलत है। जिसा आप मैंने सोचो मैं उसा को नहीं, मैं तो तमन्ना ने नू ही भूल जाऊँगा, पीछे वाली बात तो आपने घनी गलत कर दी। पराठा तना के सोची अग मैं ही साहूँ ना, मतना तो मासू था इनू को आ रहे हैं पढ़े तो कढ़े बाद हो है, और मैं गलत को नहीं, क्योंकि मेरी बाण की जिंदगी का सवाल है, अच्छा दिन देख के ना करना है जी, हर रिश्ते की बात कर लेंगे। आपने तो इसी बात कर दी थी, मेरा तो कलजा जगह छोड़ गया। कलजन तो ठिकाने रह गए, आज 2 दिन का मेरा काम साढ़ा है, मंगलवार ना आए जी, और इस तरह बात कर लें ठीक से, क्योंकि घर के नहीं मान ले बातचीत हो जाएंगे ना, क्योंकि मेरी माँ भी है, मेरा बाबू भी है, सारा परिवार तो ही मिलेगा है। ठीक है जी, ठीक सर। हे राम हे राम। मम्मी मेरा तो ऐसा जी करे, मैं इस घर ने छोड़ के चले आ जाऊँ। क्यों बेटा, आज रो क्या था बोलिया तुम? मन मेरे पापा दिन कोई थी, मन 2 जोड़ी कपड़े धुआ लिया, मेरी बात पे गोले कौन करे, इस घर पे मेरा की करूँगा के मेरी इज्जत को नहीं हो रहा। अरे बेटा इज्जत क्यों कोनी तेरी, इज्जत तो गणीय है, तेरे पापा के ऊपर बेरा है कितनी जिम्मेवारी है, घर की भी और बाहर की भी, कि मैं समझने की कोशिश कर बेटा तुम अपने पापा ने, जिस दिन कमाओगे ना उस दिन तेरे रुपया की कदर होगी। आज तो तने मुँह में बात गाल ली है और घर छोड़ने का दोबारा कदे नाम ना ले लिए। ठीक है मम्मी, आज आपने समझा दिया है, आगे तो मैं बात अपने जुबान पर खोल लूं। ठीक से बेटा, ये भी तेरे में बचपना सा है जब तू इतनी बड़ी बड़ी बात करने लग गया। ठीक से, और जा काम कर ले। अरे पोना मामा, ये छोरा कौन पिछाड़ा? माँ तेरे तक केला को है, ये मन तमन्ना खातर देखा है, अरे घर नू बुला लिया, क्योंकि सारे फैसले मैं अकेला ले कौन सकता। पवन ने पहले तो पानी पी लिया, फिर जात पूछा है, अरे तने देख के लिया, तुम्हारी के पूछ है? बाबू था मनु गलत समझो हो, तमन्ना और यो छोरा एक दूसरे से प्यार करें, फिर मन तमन्ना तो पूछी और मैं इस तक मिलया, आज मैंने वो घर बुला लिया, तो बताओ मैं गलत कड़े हूँ? यो काम तो बेटा तने सही है करया है, अपन वहनी है तमन्ना तो आज नहीं तो तड़के। हाँ बेटा के काम करया करे तू, अपने बारे में कुछ बताओगा हमने? माँ जी वैसे तो मैं पढ़ा करूँ, लेकिन ये पेट पालन खातर इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम पर लाग रहा हूँ। हाँ बेटा कमा के खान मत कोई शर्म को नहीं, बाकी तेरा बोलन गला जा बहुत बढ़िया लग गया, तन पेटा भर दिया। इवन्यू बता परिवार में कौन कौन सा है, माँ बाप भाण भाई? माँ जी यह बात पूछ के तो आपने मेरी दुख तिरक पार टेक दिया, मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, और सच तब आगा तो आपने बेरा है, आजकल कौन किसका है, सारे के सारे अपने मारण में फिरे हैं। बेटा माड़ा मन ना करे, जो भी हो ना उस भगवान की मर्जी तो है, और तू एकला कित रह गया, तू तमन्ना ना पसंद और हम ना तू पसंद, हम भी तेरे माँ बाप पे। हाँ बाबू जी आप पसंद है करता दत्ता ये है, लगते आते सगाई वाली रस्म और कर लो। बेटी मारा तो पसंद से, थम भी तो घर के मेड सो, हम के सदा जीवांगे,
थम भी तो अपनी राय बता सको हो। माँ इस जब मुँह पर थप्पड़ मार दे हम धर तो बार सा रुक जाए अकबर तमन्ना ए ए तमन्ना आ जा। अरे माँ ये सब तो बड़ा आसन है इस सफलता कान इसने जा है इसने मेरे कही थी जो आजकल मैं बाज बाज के ब्याह कर ले हैं आ थोड़ा आओ बाबा अपने बालक का दिख है तो जिस तरह मन ने इस तरह पूछ ली तो कोई गलत करया ना बेटा गलत के करो तुम समझदार सो लेकिन आए मैंने सगाई वाला पर कह ये फिर गुट्ठी गाठी की लिया तो कौन रखी भाई मन विश्वास था अख मेरी पसंद है तो हम नाटे ना सको तो गुट्ठी हम लिया रहे हैं। सही कहो बेटा आजकल के बालक सियाने बहुत से। माँ सियाने नहीं घने तेज खड़े जी मेरे हाथ में तेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो तेरे बाबू किताबों तो ताली बजानी पड़ेंगी। मेरा हाथ हो सारी जन्नतें मेरे साथ हो ठीक से तो है नू करो थमचा पाने पर बंद करो है बैठ जाओ जी आप बैठ जाओ ले मैं भी करवा दूँ क्या मैं हाँ करवा दे माँ। अरे भने था जी करे जी दाया करो जी जी जा करो अड़ रहा करो खूब है कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की भी ठीक है जी। हाय माँ हाँ बेटा कह दे रहे मेरे बाबू बीमार से है थम पहले को नहीं पता इसको थे की फोन करया बेटा यो मानदा भी हो आप वाली चलाओ से हो जाऊंगा ठीक अरे पत्ताली गोली दे दे वह के कोमली फलम वह दे दे गोली ले लेंगे ना और सारी जीभ उपड़वा ली। बाबू बीमारी थोड़ी हो ना उसने दिखा ले और थम उसने बधाने लाए रहे हो चलो बेनी चलो बाबू खड़े हो। हाँ बेटा न्यू के जा सही हो पकड़ के ले जाएगा जीभ जागा चल भाई थम के मानो हो हाँ छोड़ दे इसके मैं ले लियो चलो सच्ची आत्मा की बताऊँ अस्पताल में देश बिना के पीछे लगेंगे और तेरा भी होता नहीं या बेटे की मोह ममता दुखी कर रही है। अच्छा सारी जिंदगी होगी हड काले कर देने बेटे की मोह ममता जे कि में हो गया तेरे तो ये बेटा क्या मैं बढ़ेगा और क्या माम बढ़ाएंगे। अनु बताओ जमा ले इस बीमारी खातर आप रुपये नहीं लावांगे तो किस काम आया मैं ये बेटा के फादे आ जमन का बालक जाए कि पैदा हो न जिद माँ बाप नू आस्टल लाए जाए है आखिर तो मैं नू हासिल करूँगा यो नू मेरी सेवा करेगा आ था मुझसे गिरदेश में दस रहे हो हम आए थे भोग भोगने भोगों ने हमको भोग लिया और कहीं अंडे से पैदा हुए कहीं पैदा हुए पसीने से ईब तो माले बाबू सहन है आगे मर्दी कर के बन जाएगा बेटा लोभ न त्याग दे भगवान का नाम लिया कर मोक्ष न प्राप्त हो जाएगा पवन ये बताओ बात से बेटा तू ये बात बताए ये उल्टा ही बैठ जाएगा साल ही बताए चलो दुआई दुआई के लिए वो नहीं असर करे मेरे दुआई देख ले मैं कौन थी ना मात पिता का जिंदगी भर भी उतरे कर्ज नहीं। पापा पापा कौन है बेटा तू किस तो मिलना है तने मैं पवन का छोरा हूँ पापा मेरे दी बताया करता कि अब तुम दो दिन सुई आओ है ज्यादा मन चिंता हो गई थी मैं पूछता पूछता आड़ आ गया। बेटा तेरी गलत फहमी है तेरी तबीयत पानी तो ठीक से की भाभी हाँ क्यों ताड़ो इस बालक ने आए ये बेरा की क्या है कोई बात ना कि मैं भी कहता हूँ भगवान का रूप से बिठा लो भीतर ने वो तो ठीक से है पर ये बोलन के लाग रहा है की कह है नू कह है पवन मेरा पापा है मैं कहा तेरी तबीयत तो ठीक से है कभी बुखार हो रही हो दिमाग में बुखार चढ़ रही हो जाए तो बोल दो फिर कोई बात ना तो भाई राजे ही फिर आप पेरा पाट जाएगा। अच्छा ठीक से तो आ जाओ तो बेटा आज बेटा आ जा हो मात पिता ने देखा बाबू जन्म दिया चलेगा दुआई ली आया तो क्या नहीं ठीक तू ले गया तो चलेगा ना घना और हो आ जा बाबू बैठ जाओ। अरे कड़ा गई कलावती कोई माना साहब तो पानी पात की पूछा रहा मैं नाम का डे बेटा के करा माँ लाडा नाम तो देने पड़ा है
ललित ताड़ा किस तरह भाई तने कत्ती भी शर्म कोनी आई ललित तू जाना है इसमें जानू हूं मेरा छोरा तो है पवन तने ओसवीस है के कणा रहयो तू मैं कहूं ता के अबे शर्म नू बता मां माले मैं थारा छोरा हूं जे मेरा छोरा तो इसमें दिक्कत के है अपनी मजाक दे छोड़ और सच्चाई बता दे के बात से मैं सच्चाई बताऊं ललित के बात है यार तू आया पापा टूसनाली मैम पी से मांगे थी और आप दो दिन तक आए को नहीं हो तो मैं पूछदा सुई आ गया बेटा हूं कड़ा था सारा घर जला काम पड़िया है अदरा दादा बीमार हो गया था ये तड़का हूं आज तक पहले आए गया अरे भाई मेरती तो तू सही रास्ता दिखावे और आप गलत रास्ते पर चल रहे है या किसी की बेटी को नहीं जब तेरी बाण की गल्या तेरा जिज्जा नू करे तो तन्ने की साख लगेगा तन्ने बड़ी आसानी तक कह दी अग इसका पापा सू मैं बेटा सही हो मेरा तन्ने जमाई शर्म को नहीं आई बेबे शर्म क्या अतराव थी मैंने सच्ची बात बताई है एक गाना है सत्यम शिवम सुंदरम उसका अर्थ लोगा के समझ में कोई अंदा मतलब सत्य जड़े है ना जो सच्ची बोल रहा है उड़े ही भगवान है और मैं भगवान की कसम खा कहूँ मैं झूठ को नहीं बोलता मैं छल कपट क्यों करूँगा झूठ क्यों बोलूँगा जी जो बात थी वो मैंने बता दी हाँ भाई तू एक से जो तू करेगा वो हमने मंजूर होगी चाहे एक ब्याह करवा चाहे पांच ब्याह करवा माँ मैंने यह तो को नहीं कही मैंने ब्याह करवा है अच्छा ब्याह ना नाटा है नू और बता दे अगर बिना ब्याह करवाई छोरा करता है ऐसे माँ मैंने किसी की इज्जत बचानी है उछालनी को नहीं हाँ तेरा बाप की इज्जत सस्ती है उछाल दे मैं यह बात को नहीं बता सकता अरे ऐसा कौन सा राज हो गया तू अपने माँ बाप ने नहीं बता सकता और मारी इज्जत तो फालतू दूसरा की हो रही तेरे खातर मैं मानू हूँ बाबू की माँ की इज्जत हो है फिर यह भी सब क्यों छोड़ के आ रही है और मैं है ना इसकी आंखें मासू को देखना चाहता रू आगे ना आंसू को नहीं देखना चाहता तू माँ ये की बात समीर तो मैं समझ में कौन आ जा बेटा भीतर आ जा चल राम राम की बात होगी तुम्हें के बताऊं बेटा हम तक मैं बताने जी में कोनी इसी के बात होगी जो माँ को नहीं बता सकती तू बता मेरे से ना इसी तो कि मैं बात कौन है तमन्ना अगर मैंने कुछ समझा है ना तो सारी बात सच्चे से बता इस घर के सारे दुख भी सुख भी मेरे हैं मैंने बहुत मुश्किल का परिवार मिला है बात बता के है बात तो मैं के बताऊं बताती आनी भी शर्म आवे है मेरा भाई ने दो ब्याह कर रखे हैं और यह बात वो राजी होकर बतावे है मेरे तो किम मैं समझ में ना आ रही बाकी अक्के कहानी है फिर ये छोरा कौन है जिसने पवन भीतर लेके चले गया यो ही तो है इससे ने तो अपना छोरा बताओ से उड़ेड़ बालक हो रहे हैं दूसरी लुगाई के थमनास तो कुन बेरा ना आज बेरा पाट्या है हाँ ठीक से तेरे माँ बाप ने भी बेरा पाट्या तो कर भी केस के हैं थारा पर्सनल मैटर है वो लेकिन एक बात बताऊँ कड़वी है सच्चाई है स्वीकारनी पड़ेगी बताओ हाँ मैं मानू हूँ अग मैं नाथ हूँ लेकिन इतना गंदापन कौन है मेरे अंदर जो कि एक लुगाई को होते किसी और की जिंदगी बर्बाद करी डोला है माँ बाप पता है बिना बताई दूसरा घर बसाई डोला है इसे गंदा खानदान में ब्याह करने की मेरी तो हिम्मत है कौन मैंने माफ कर दिए अरे मैं आसादी तोड़ू हूँ संभाल अपनी अंगूठी ख्याल रखिए तुमने एक बात बता रामायण में लोग सीता ने रुके मार मार नू कहे थे या चरित्रहीन से चरित्रहीन है तो उनके कहा तो वह होगी नू ये मेरा दिल गवाई दे है अख मेरा भाई में इतना भी खोट को नहीं मेरा भाई पवित्र है गंगा जल की तरह तेरा कसूर को नहीं जो अपने होने उनकी मेरा आया करे अरे तने इतना ही ज्ञान है तो नू भी बेरा होगा जिस रामायण का तू जिक्र कर रहा है उसमें राक्षस भी थे और वो उस टाइम सारे मारे को नहीं गए दो चार बच गए थे उन्हें राक्षसा में तेरा भाई है ध्यान रखिए वो अपना रूप थमने फेर दिखा होगा किसी बात करने लाग रहे हो ये बात थारा मुँह तो शोभा को नहीं देती मेरा भाई का बारा में क्यों के तो तेरा भाई लागे मेरा और के तू लागे चाहे उसने बुरा कहूँ और चाहे तन्ने
तेरे प्यार में इश्क दिया सोले टंग जावांगे, तेरे प्यार में इश्क दिया सोले टंग जावांगे। छड़ के ना जा सोनिए कल्ले मर जावा। ललित के को थे पापा? अन मैं कहूं के था ए ये 1000 रुपए ले अनु कर अपना टेंपो पकड़ के ना वैनी चले जा। ठीक है और तू उसने पीछे दे दिए तड़के से मेरे मां आ जाएगा। हैं ठीक है हां ठीक है ना अपना ध्यान रखिए। चला भी आ जा रसिया। मम्मी मेरी बात सुन, मैंने पापा गेट पर देखा उस ललित पीछे देव था बहने जान खातर और घर खर्चे खातर। ईब हाँ की जा हो रहा है? मैं को नंदी भी एक मिनट भी ठीक से और मैं छोरा का हाथ छोड़ दे आज लगाने की कोई जरूरत नहीं जा है। की बात से मैं जाऊं सब की मैं छोड़ के मैंने को रहना एक मिनट भी को रहना तेरे दोरे। की बात बस मैंने कह दी ना तो कह दी तू धोखेबाज है तने सदा ते मेरे ता धोखा दिया धोखे में रखया तने मैं कौन सुन दी तेरी जचा है मैं धोखा दी तने बिल्कुल जचा है कोनी मैंने अपना आंखा देखया र कान ना सुनी है मैं कौन सुन दी तेरी। चल बेटा मान जे मेरी बात छोड़ दे मेरा हाथ। मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है। की बात हुई ये क्या तरह है? बस सारी बताऊंगी चाहता तने खुल के इब की मैं कौन बर्दाश्त होती मेरे की बात भी होगी नु बताने तू रो क्यों है के बात होगी रे ये छोरा बता से रखती के कह दे की बात हुई से के मैंने बता तू चाचा के बताऊं बतान दे अन भी शर्म आवे मैंने तो तेरे बटे उन्हें काम ऐसा कर दिया। इस रोना धोना बंद करे पहला तू मैंने सारी बात बता साची साची रोई जागी किम बताओ बिगी। जा बेटा भीतर जा तू चा बना ले रे नू बता चाचा छोरा बहन वाला हो रहा है तेरा दोता थोड़े दिन में बहन जोगा हो जाएगा आ तेरा जो आई ना दूसरा ब्याह कर रखा है अब मेरे सौकन का उसका भी और छोरा हो रहा है तेरे के बताऊं चाचा मैं मने ये बेरा पटा है के बताऊं तेरा आगे ये बेरा पट गया ना ये आगले ने बेरा पटा दूंगा दाऊं डाले मने राजेश कह दे लोग ठीक पूरा गांव राम जाने मेरे व्यवहार ने और तन्ने बेरा तेरा चाचा की शख्स है कुत्ते खान है खीर इसी खराब माटी कर दूंगा उनकी एक के जेल के भीतर पड़ा पानी मारने तो मेरा नाम बदल दिए तेरा चाचा जान काट देगा उनकी आख्या आख्या मर बाता बाता में और बताऊं तेरा आगे पंचायत नहीं करी तो मेरा नाम है असल का बीज नहीं राजेश नहीं कहते लोग बने चल भी तरन तू मानस ने करड़े काम कर दिए बैठ तू बेटा मैं ब्याह बाबू मेरा भाई भी तो कितना मेरा रिश्ता टूट गया कर भी केस को हूं मेरे दो इलाज तो कोनी और उसका कसूर भी के है अपना तो खानदान खराब हो गया कितने मुंह दिखाने जोगे कौन छोड़े इसने। राम राम जी। राम राम जी। एक बात बताओ बड़े शाने लिकड़े थे हम तो हैं क्या हो गया जी ये संस्कार दी थी बड़का थी ये मारा याय परिवेश थी के मारा क्या कसूर है जी? नहीं थारा कसूर तो मारा से अरे हमने जांच पड़ताल करी ने कि मैं पूछा ताची करी ने अड़ोस पड़ोस में किसी नहीं पूछी ने भाई बालक किसी से हैं और था मैंने यूं सिला दिया। एक बात बताऊं मारी छोरी का माँ बाप को नहीं पर हम दोनों भाई जीवा हमारे को नहीं आई। आप चिंता ना करो जी सुलझ जावांगे इस बात ने सुलझ दिली साहब है सुलझ जावा तो हम गए थारप के सुलझ है सुलझ जाना तो हम ना आवे है। आए हो बैठो चा पानी पियो बैठ के बता चा पानी पीने वाले तो लछने कोन रखे था मीने बिठा तो दिए तली में बैठा दिए हम तो गांव में के मुंह दिखावा हैं वा छोरी छोरन लेके बराबर कम जाके बैठगी शर्माओगे तेरी छोरी आगे बैठन है जितनी आंख खुल है। चौधरी साहब न्यू का आग्रह आपा बस में हो जा जापा बस में ना होया अगर हाँ जापा बस में ना करना हो जाए जी सारे जेल के भीतर छेड़ोगे आई समझ में और उस लंबूड़ ने देख लेंगे कितना लाट सा पाक रहे वो इस जेल तो वह जेल के न्यारी से हम तो ये भी जेल में हाँ वह जेल न्यारी से इसमें तो गांव मानते जानते दिखे और तरसेगा बोलने ते चौधरी साहब
आमनाज तो नहीं बेरा था कि पवन ने ब्याह कर रखा है, आमने तो ही बेरा पट्टा है। ओ आजी चौधरी साहब मान गए, झूठ भी बोल रहे हैं और इतनी सफाई तें क्या अगले महसूस ना हो जाए कि मैं झूठ बोलने लग रहा हूँ। एक बात बताऊँ साहब, छोरा बराबर का हो जाए ना और जब बार ने पाँ काट है तो बाप ने सबसे पहली बेरा लाग जाए कि मेरा छोरा किन पेड़िया चल रहा है। पर हद से थारी बेशर्मी की, थारा छोरा 10 दिन थारा घर रहा है और 20 दिन बिहानी जाके बैठे साहब, बेरा कौन लागे इस बात का? चौधरी साहब, गैरेज में काम कर रहे हमारी ओर का तो कमावा नहींगे तो खावांगे के? खाओगे वो भी जेल में रोटी। अरे जेल ने छोड़ डिंपल, तू पहला थोड़ा गाँव में है ना, इनका दाउंडा जुलूस काट के पंचायत करके इनका मुंह में खूसड़ा नहीं दुआ ने तो आप इन्हें कौन जानेगा। अरे एक बात बताऊं चौधरी, कान खोल के सुने, मेरी छोरी का फोन मैंने कदे ठाया को नहीं, अगर मैं फोन ठा लूँ ना इस बात का मैंने पहली बेरा लाग जा थोड़ा डरन को दिए एक मिनट भी। भलमानसी देख संस्कारी ने कहा अगर मेरी छोरी के सर को ऊपर तक पानी जा लिया ना, जब पा ठा के चाली हो अब घर आई समझ में। ईब तो जंगल में शेर आ रहा है जी, जो शेर करेगा वो ये करेगा, जो तुम सजा दोगे हमने भुगतनी पड़ेगी, क्यों मारा छोरा ने खोट कर रखा है। तेरे घर ने यह छोरी खड़ी ने तड़के इसने ब्याह होगा ना, अगर इसके के लिए कहानी बनगी तो के बीतेगी तेरे दिल पे, हम जाना हाँ क्योंकि हमारी छोरी घर बैठी है। मौसा बैठ जा, मैं चाह बना के ले आऊँ, और जो गलती मेरे भाई ने करी है उसने सुधारांगे। और मौसा तेज बोलन तो बात बिगड़या करे, बनया ना करे। छोरी हमने बेरा तू समझदार होगी, ठीक से पढ़ रही लिखी है, दो आँख जाने हैं, पर जिसका गिल्ला बने है ना उस आदमी ने बेरा पटा कर, और थारा घर की चाह, थारा घर की चाह तो अच्छा तो बाहर जाकर जहर पी लूंगा ना वो बढ़िया, चल रहे लिखड़ा दे। सुनो तो जी, बस सुन रखी है, सुनाएंगे आगे कोर्ट में और पंचायत में। क्या करा बेटी, न्यूका करा ना एक भैंस 100 भैंस ने लिबाड़ दी, एक पवन का कसूर करोड़ा, अपन सारे ने घुट घुट के जीना पड़ेगा। के लेना है साहब है, रमन ने कही थी भाई मामन कही है इतवार ने पंचायत करांगे, थोड़ा भी 3 दिन भी कुंडे टैग आगे तो साहब पंचायत को निकलनी, यो अपना घर का मैटर है और आड़े सुध जाओ यो सुध जाना होंगे ना बेटा, तो दो दो नाम सवार को नहीं ओवर आई समझ में, जो माँ बाप देख के रिश्ता करे ना उसे गले जिंदगी बतावर, किसी दूसरी पल्ले को बांध के बैठे रहे। इसकी बात तो सुन लो जी। सुन ली और बाकी कह रहे है सुना पंचायत में सुनागे, आड़े के सुनाना है तमी। चौधरी साहब हाथ जोड़ के कमा पाठा गया यहाँ तो एक बार सुन तो ले मारी भी। तुम तो रहे हो बेशरम। अरे शरम नाम की चीज तो दावा कौन ही रे, अरे जी साहब बाप उसी को लाए दे, बाप ने भी ये खुंडे रुपये होंगे, अगर पूछा ताची कर ले रहे तो बेरा लायक जरे पेटा भर जा रहे भाई जेक सही है। जोर तो बोलने में किमे कौन ही हो, कई बात ऐसे ही बोल के देख लिया हमने, ऐसे बोल के देख लिया जिदे ये दिन लेगी छोरी आई समझ में, अगर इसी कुशी होंगी ना तो उसी दिन झोला ठाकर हमारा घर आ जा। ये इसी कुशी कौन ही, जिस दिन ये ब्याह गई ना उस दिन वादा कराया था, अगर जिस पर कोई गलती हो जाना तो मैं साथ नहीं छोड़ दूँ, मैं तो उस वादा नहीं बांध ला रहा हूँ, और जब मेरे पर कोई गलती हो जा तो यह साथ नहीं छोड़ है, मैं तो उस वादा नहीं बांध ला रहा हूँ। मानू हूँ मैंने वादा कराया था, पर यह गलती थोड़ी है, ये तो गुनाह है। गलती तो वह है जो अनजाना में हो, तना तो जानबूझ के खुट्टा रोप रखा है। जय खुट्टा पुष्पा ने रोप रखा हो फिर के मतलब के कहना चाहो है? मतलब यो है जो गलती था मेरे थप्पड़ लाग रहे हो ना वह गलती पुष्पा ने कर रखी है, और मैं तो यो पति पत्नी का रहस्य था इन्हें छुपाऊँ था, लेकिन बात मेरी इज्जत पाएगी, मेरे माँ बाप पर दाग लग गया था। और सुन पुष्पा ने पूछ ले अक्षय नाम का छोरा तो प्यार कराया कर दी, और पूछ पुष्पा ने के बात से छोरिया, अगर मेरी बात झूठी है ना तो तू नट जा, मैं सिर झुका लूंगा और चाचा जितने खुजड़े मारेगा ना उतने उठूंगा। सही कह है चाचा, मैं अक्षय नाम के छोरे तो प्यार कराया कर दी और मैंने शादी का वादा कराया था उससे। किसी के हाथ न आएगी ये लड़की, कोई पंगा करवाएगी ये लड़की। चाचा याद कर मैंने तेरे तभी तो पूछी थी। अच्छा पुष्पा मनु को था मैं तेरे ब्याह की बात कराया हूँ, अगला गिला पक्की बात कर ली मैं तेरे रिश्ते की। चाचा मैं एक छोरे से प्यार करूँ और मैं उससे ब्याह करूँगी। की कह रहे मैं प्यार करूँ
हाँ रूसी तो ब्याह कर लूंगी। तो बेटी तुझसे ब्याह कर ली, एक काम कर, मन्ना है ना सल्फास की गोली दे दे। ना चाचा, नू ना बोले तू, तेरे बिना के है मेरा? ये तेरा सब की में है, तेरे तेरा प्यार करने मिल जाएगा, मारा कौन की में भी, ये मैं क्या मुंह दिखाऊंगा समाज में? है समाज तेरे को मैंने बोलना देगा कि छोरी के माँ बाप मर के छुट्टी छोड़ के और चाचा ने पाली थी और आज चाचा ने अपने स्वार्थ खातर यो काम करवा दिया, तेरे समाज में बोलने कौन देंगे मैंने? तो इस चाचा ने बेटी मैंने गोली दे दे, मैं गोली खा के मर जाऊंगा। चाचा हाथ ना जोड़े मेरा, गए देख तू मेरा भगवान है, मेरा आगे पीछे तू है, तेने मेरे तक जीना सिखाया है, पाली है पोसी है, इतना खर्चा लगा लग रहा है, मैं इसी उम्मीद कौन रख दी कि तेने मार के न और मैं ब्याह कर लूँगी। चाचा तू मैंने 12 महीने का टाइम दे दे, मेरा जो 12 का कोर्स है ना वो पूरा हो जावे, फिर तू जड़ा कहेगा ना मैं ब्याह कर लूँगी। ठीक से बेटी, कोर्स है ना चाहे तेरा 2 साल का हो, 12 महीने का नहीं, कोर्स कर ले, पर तेरा आगे हाथ जोड़ूंगी, उस छोरे का हाथ तो नाम आ गया तेरी जबान पर, आइंदा मन उसका नाम उससे मिलिए ना बेटी, अगर तेरे साथ से नींद देखना चाहो। ना चाचा कौन करूँ, कौन करूँ, आज ना चल रहा। ठीक है बेटा, मानू जी मैं यह बात कि छोरी ने गलती कर रखी है, भैया अक्षय नाम के छोरे के लिए प्यार कराया कर दी, पर तन्ने यो खूटा रोप रखा, तन्ने ब्याह करके वो छोरा पैदा कर रखा, उसमें इसकी क्या गलती है? मान गए तुम के कहो हो, जो छोरा पैदा कर रखा उसमें इसकी क्या गलती है? एक राज और से जो थमने कौन बेरिया, ब्याह था पहली इसने नू कही थी, अग मैं 12 महीने और पढ़ लूँ चाचा फिर ब्याह कर लूँगी, आ फिर यह बार कोरस करने गई, इस बात का कौन बेरिया ने? जिद यह कोरस करने गई ना इसके पेट में बालक था और वो पैदा करके ना इसने अक्षत ही दे दिया। अक्षय मैं तेरे तो ब्याह कौन कर सकती? किसी बात करे तू ब्याह ना कर सकती, मेरी भी मजबूरी है। इसी की मजबूरी होगी, अपना इतने दिन का प्यार नहीं छोड़ देगी? अक्षय मैं तो ना छोड़ दी को नहीं, मेरे चाचा ने और कितने रिश्ता कर दिया मेरा। छोड़ तेरे चाचा ने, अब बाज के लव मैरिज कर लेंगे। ना अक्षय मैं बाज का ब्याह नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे चाचा ने मरण की कसम दी है, मेरे तय मेरा चाचा मर जाएगा। तन तो यह बात कह दी, तेरा चाचा तो मर जाएगा और जो तेरा पेट में बालक है मेरा उसका क्या होगा? इसका समाधान मैंने टो दिया, 12 महीना का कोर्स कर जाएंगी, बार कोर्स को नहीं, वो मैंने मेरे चाचा तो झूठ बोली है, इस 12 महीने दौरान जो बालक है वो पैदा करके मैं तन्ने दे दूंगी, फिर तय तेरा रास्ता और मैं मेरा रास्ता। तो एक काम करना है, इस बालक ने गिरा दे ना, तो तेरी बिरन माटी होगी ना मेरी होगी। माँ जोड़ का कहूँ हूँ इतना साथ दे दे मेरा, ये बच्चा पैदा करके मैं तन्ने देना चाहूँ, मैं पाप कौन करना चाहूँ। ठीक से तो जब तेरी यह इच्छा है मैं कोई इसी जगह देख लूँगा किससे ना मेरा पटेगा कि तू कितना वह है। और मैं गैरेज में काम कराया करता कई दिन पाछे अक्षय मेरा दोहरा आया। मर्द व्यवहारी ने सरका कोन्या गरस्ती आड़े खेल बिना। राम राम भाई। हाँ बोल भाई, क्या काम था? काम तो था भाई, एक और ने बैठ के बात नहीं कर लिया। अच्छा रे चल भाई, के काम था भीतर ना जा। आ जा भाई, के कर बैठ। बात तो जी के बताऊँ आपने, थोड़ी शर्म सी आओ है। अच्छी बावली बात करो भाई, शर्म ना मदरा जेठ लागू, बता के बात सर। भाई साहब आप तो मजाक में ले रहे हो, मेरे दौरान है जिंदगी बहुत कम दिन बच रही है, मेरे है ना कैंसर है। अरे तो रो क्यों है, क्यों पीसी पैसे मदद चाहिए के? ऐसा ही जरूरत को नहीं, जो आपकी घरानी है ना पुष्पा मैं उस तो प्यार कराया करता। फिर मैंने तो पहले यह बात बताना आया है, है के बात है, मेरा घर जुड़वा होगा? ना भाई साहब घर ना जुड़वादा, जब घर जुड़वाना होता तो आप तो बहुत पहले मिल लू। और मैं एक समस्या है, पुष्पा पे गलती हो रही है, मेरे और उसका नाम का एक बालक है जो आज मेरे पर है, जब मैं मर गया ना उस बालक की बिना माटी हो जाएगी। हाथ जोड़ के यह विनती है उस बालक ने आप अपना लो, उसकी परवरिश कर लो। सही ढोंगी है भाई, तना कह दी हर मैं मान लूँगा। है भाई सब ढोंग ना करता, सच्चाई बताऊँ मरता आदमी झूठ ना बोले। अगर एक काम कर, मैं तेरे गली चालू हूँ और सारी परिस्थिति देखूँगा, उस बालक से मिलूँगा, जब मैंने ठीक लग गया ना और ऐसा कुछ मेरे दिल में फीलिंग हुई। के नाम है तेरा? अक्षय नाम है भाई।
देख अक्षय, जो गलती हमने करी ना वह बहुत बड़ी है, लेकिन एक बात और, उस बालक की गलती रहे, उसकी खराब मट्टी हो जाएगी ना, वो गलत से। आ तू टेंशन ना ले, मैं तेरे गेली चालूंगा, आ तू मन संभला दे, जी सा मेरे बन पाओगा ना मैं उसा जरूर करूँगा। चल खड़े हो, मन संभला दिए। ये नू बताओ, जय मैं उन्हें पालू था तो इसमें मेरी गलती है, जय मैं उन्हें घर न ले आंदा आ सारे कर क्या गए इसकी बतादा तो क्या जी पादी या किसी का नज़र मिला पादी, मन नू सोची मैं सुखते जिंदगी कटन लग रही है, और के बात होगी जमाली छोर मैं पाल दूंगा और कितने अपने ब्याह है कि नहीं और नून पर ही पर है यो राज रह जाएगा जो पति पत्नी का है। और थाम इसने के कहो थे अगर मेरी गलती है ये बताओ। पुष्पा कह दे कि बटे वो झूठ बोला है ना चाचा, यह बात सच्ची है और मैंने यह बात तेरे तलक हुई थी चाचा, मैंने माफ कर दे, माफ कर दे मैंने चाचा, माफ कर दूं ये माफ कर दूं ये कितने रेल तलक कट के मर जा रहे कितने कुआं जोड़ कर ले रहे हैं इन रिश्तेदार आगे मैंने बेइज्जती करी हैं और समाज में तड़कम नारे थे तलने जोगा कोनी एक किसी ने मुंह दिखाऊंगा मैं हैं एक यो दिन दिखाने से पहली तो कितने मर क्यों ना गई कुआं जोड़ कर ले रहे किस जा है मेरे पर बहुत बड़ी गलती होगी, मैं इस सच्चाई के लिए जी नहीं सकती, लोगों का नजर नहीं मिला सकती मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ आपकी। जो मरिया करे ना वो कायर होया करे, हर गलती तो मनसा तो होया करे और के डांगर पशु करे यार। तेने मन की सोच भी किस तरह ली, पति ने परमेश्वर नु ना कह दे क्योंकि उसका सुरक्षा का वजह है, और तक कोई भी गलती करेगी तो मुसीबत आओगी तेरे पे, मैं जीऊँगा ना इतने तेरे पाँच भी को नहीं आने दूँ जी कोई मुसीबत आ जाओ। बेटा गलती तो मेरी है, बस मैंने थारी बेइज्जती करी, आरी भी थारे आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगू हूँ, पर मैंने सोची कि बिना माँ बाप की बेटी है इसने पढ़ा दूंगा लिखा दूंगा और किसे इसी जगह पहुँचा दूंगा जब अफसर लायक के तड़का मेरा नाम रोशन करे, तड़का गाँव वाले न्यू को नहीं कहें कि भाई माँ बाप तो थे को नहीं हर सच सच पढ़ाई को नहीं। अच्छा एक बात बताओ जी, आप ये अफसर मान ले बिना ब्याह ही लाग सके है तो क्या ब्याह पाछे कौन लाग सकती, ये जुनून चढ़ गया है आगे ना और पढ़ा दिया और पढ़ा दिया कि मैं ला दिया जी बालक सिवा सुन जाने तो माँ बाप के सिर पर बाहर होया करे। हाँ जी बाहर होया करे, और अपना ये परिवार खड़े सारे समझे हैं जी समझा, पर हमारा पर्दा पड़ रहा था ना। हाँ क्योंकि पर्दा तन बेरा किस बात का कि बिना माँ बाप का टावर पालना हंसी खेल को नहीं होता जी, अगर दूसरा रोंदा दिख गया ना तो अनु कहेंगे देख ले माँ बाप सह कौन ही और छोरी परेशान करने लग रहे हैं। ये दिल की भावनाओं हैं सबके साथ जुड़ी हुई हैं, कोई बात को नहीं ये गलती का निर्णय लिख दिया ना। हाँ जी सारी बात निचोड़ोगे ना पंचायत ना करियो ना जी, जय गांव इकट्ठा करोगे ना तो बेइज्जती है ना इसकी होगी मारी बेइज्जती है, और ये भी यह बात अपना घर की करना रहेगी किसी ने कौन बेरा। बहुत बढ़िया जी, हाँ मैंने न्यू कौन बेरा था कि थारा माँ बाप ने इतने संस्कार दे रखे हैं, मैं बह गया था जी क्योंकि बेटी का प्यार मानदा हो गया था, मैं गलती मानू जी अगर हो सके ना 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 माफ कर दो मेरे पाँ का हाथ लागे ना मुना पाप मना गाड़ो। मुन्ने बेरा कौन था कि थारा माँ बाप ने थारे इतने बढ़िया संस्कार दे रखे हैं और थामी तो अनमोल ही रहो जो मुँह पर कौन पाया था। चलो भीतर आ जाओ ठीक, हाँ फिर चल पहले घर ले जाओ चलो ठीक है। ईब क्या हाथर बुलाए मारे इस रेल खाने में पैर कौन टेकना चाहूँ था पराठा, यो रेल खाना को नहीं यो एक सौरक्ष है जो तू मेरे ऊपर लाओ था दाग वो सारी गलती है पुष्पा की थी। हाँ 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 खुद फंस गया तो इसने क्यों बिचारी ने किसी की जाई ने बिरान करे है। पुष्पा बता वो छोरा किसका है। सच्ची कहा है जी वो छोरा मेरा ही है। मैंने नू बता दूं के लोभ दिया इन थारते या बात कहने का बदला। सुन मेरी बात है मैं अपनी बाण की कसम खाऊं हूँ जय बात झूठी हो तो, लेकिन तय इसने छोड़नी का है ना यार रो रो के बावड़ी हो रही है हर जय इसके किमें हो गया तेरे ऊपर ना तो खून का इंजाम लाग जाएगा, ये मर्जी तेरी है तो इस ना अपनाओगा अक मारेगा। मन ने इससे प्यार कराया है कभी सपना में भी इसके मरण की दुआ को नहीं मांगी, बचा तो लूँगा इसने मैं लेकिन पहला मैं अपनी बात पूरी करूँगा। आप मुझे एक बात बताओ। हाँ जी आप सच बोलो आपको पति की कसम खा जाऊँ। मैं मेरे होने वाले बच्चे की कसम खाऊँ जी, मेरी वजह से मैंने चाहती मेरी ननद का घर
बर्बाद हो जावे। फरट्टा देख, तन्ने मेरा गलती किससे भी हो जाए आगर है, या शर्मिंदा हो रही है बेचारी, के तो बोल है या कब है कि मैं इसके मुँह मत की, मैं लगड़े से बस की बात को नहीं है। और तय भी स्टानाड़ी पर कहना लाए रे, कदे कसम दुआओ, कदे कि मैं दुआओ है, ये हम कह लाग रे है। आ जाते तो सच्चे दिल से प्यार करे जी दिखाऊँ हूँ, कोई बात नहीं हुँ? मेरे कहते ठीक से राज सुतरा दिन देख के ना हम तेरा ब्याह कर दूंगा। राम राम दोस्तों, आज जो हमने वीडियो दिखाई है ना, इसमें हम के दर्शाना चाहूँ हाँ कि आज अपने समाज में इस तरह चल रहा है बेटी के प्रति कि उसने पढ़ा लिखा गया ना आगे तो अफसर ला दें, जिस तरह इसने कोशिश करी इस्ती लाने की। लेकिन हमने पीछे वीडियो में बताया है अगर बालक ब्याह जोगा हो जाए ना तो माँ बाप के सिर पर भार हुआ है, इस तरह कि ब्याह आप अच्छा पढ़ लिख के न और अपना काम भी कर सके हैं। आप इस तो सीख लियो या बात कि बालक ने टेम रहन दे अपने ब्याह दो। और बाकी एक पति पत्नी के रहस्य भी हों हैं जो एक दूसरे से तिसर रही जा तो अच्छे हों हैं, लेकिन इसकी भी गलती थी, बातें इतनी बड़ी थी कि या बताओ कुकर। लेकिन मन ने यह बात छुपा के न कोशिश करी कि यह बात परे टल जा, लेकिन उस परमात्मा की मर्जी थी, यथार्थी भी दिखाना जरूरी था। ये तो एक नाटक था, जिस तरह मान ले को आप कार गाड़ी गुड्डी बनावा हाँ तो उसे कई चीज़ लानी पड़े हैं, सस्पेंस तो गिरना ही पड़े है, तो हमने की सलाह क्या जरूर बताइयो। बाकी मारी थी कोशिश। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।